दोस्तों नमस्कार। आज हम आपको लेकर आए हैं वृंदावन की रंगनाथ जी मंदिर। रंगनाथ जी मंदिर का पूरा कहानी सुनाएंगे और दर्शन भी कराएंगे रंगनाथ जी का। भारत कोश के मुताबिक रंगजी मंदिर अथवा रंगनाथ जी मंदिर उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के वृंदावन नगर में स्थित है। श्री संप्रदाय के संस्थापक रामानुजाचार्य के विष्णु स्वरूप भगवान रंगनाथ या रंगजी के नाम से रंगजी का मंदिर सेठ लक्ष्मीचंद के भाई सेठ गोविंदरस और राधा कृष्ण दास द्वारा निर्माण कराया गया था। उस समय रंगजी मंदिर भारत के सबसे अमीर हिंदू मंदिर के लिस्ट में शामिल था। रंगनाथ मंदिर में भगवान रंगनाथ के सामने 60 फीट ऊंचा और लगभग 20 फीट भूमि के भीतर धसा हुआ तांबे का एक ध्वज स्तंभ है। इससे अकेले स्तंभ की लागत 10,000 रुपये आई थी। इस खंभे को सोने का खंभ भी बताया जाता है, इसलिए इस मंदिर को सोने का खंभाला मंदिर भी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के जीवन से जुड़े क्षेत्र को ब्रज कहा जाता है। वृंदावन धाम ब्रज के मुख्य स्थान में से एक है। यहाँ यमुना किनारे भगवान श्री कृष्ण की कई बाल लीलाओं का वर्णन प्राचीन ग्रंथ में किया गया है। केवल हिंदू ही 7 द्वार तक प्रवेश कर सकते हैं, गैर भारतीय इसमें 1 द्वार तक प्रवेश कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। ये जो देख रहे हैं ये सोने का खम्भ है। ये 60 फीट ऊंचा और 10 फीट अंदर ये धसा हुआ है। ये सोने का खंबा, इसलिए इसको सोने का खंभी बोला जाता है। आगे जो आप देख रहे हैं इंद्रासन है, ये नवग्रह का कलश बना हुआ है। आप आगे देखिए, ये इंद्रासन है, ये नवग्रह का आसन बना हुआ। इंद्र भगवान जो नवग्रह का देवता है, यहाँ पे इंद्र भगवान का आसन है, ये देख रहे हैं। अभी आपने जो नौ ग्रहों के दर्शन करे थे, नौ ग्रहों के देवता हैं इंद्र भगवान। गुरुजी ने इस खंभे का नाम रख दिया गरुड़ स्तंभ। आगे जो देख रहे हैं वो इंद्रासन, दो दो प्रतिमाएं हैं। तीसरी प्रतिमा मंदिर दान में मिला और इन्हीं के नाम से मंदिर का नाम पड़ा रंगनाथ मंदिर। क्या नाम पड़ा? रंगनाथ मंदिर। एक बार हाथ जोड़ के बोलेंगे रंगनाथ मंदिर। इनका नाम था स्वामी राधा की मूर्ति है, आगे वाली सोने की, पीछे वाली पत्थर की। आजू बाजू में इनके शिष्य जो इनका ध्यान हो चुका, आज भी गद्दी पर कोई विराजमान बैठे हैं। एक बार हाथ जोड़ आगे आ जाओ। 7 दरवाजे के बाद दर्शन है। चल और अचल दो प्रकार की मूर्ति है। आगे वाली उस सब में मूर्ति निकाली जाती है, पत्थर की इसी जगह रहती है। 84 घंटियाँ बजाते हैं जब पुजारी लोग दर्शन करते हैं। तो इस मंदिर का चमत्कार बताया कि जो भी इस मंदिर में ताली बजा के जय बोल के हंस के जाएगा सदा बहार लक्ष्मी की कृपा पाएगा। तो ऊंचा हाथ करके बोलो विष्णु भगवान की जय, कन्हैया लाल की जय, माता पिता गुरु की जय। ताली बजा लो थोड़ा लो। आहा करेंगे नीचे धाम से अभिषेक कराते हैं इनका। इस साइड में भूदेवी बनी है और इस साइड में श्री देवी। चांदी के सिंहासन, चांदी के ही पात्र हैं। तय बोले जो जय बोल के जाते हैं। और अब यहाँ पे बताते हैं एक खंभे में 287 मूर्तियां हैं। ऊपर एक 4 मूर्तियां हैं, नीचे 4 मूर्तियां। एक खंभे में 8 मूर्तियां होते हैं। Thank you.